जय हिंद। जो आप लोग क्लास 10th में और यहाँ पर 2024 में हिंदी का पेपर दोगे तो ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, यूपी बोर्ड ने यहाँ पर ऑफिशियली मॉडल पेपर जारी कर दिया है और सेम इसी पैटर्न पर और ऐसा ही आपके बोर्ड एग्जाम में पेपर भी देखने को मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखना, सारी चीज़ें बताऊंगा A to Z, क्योंकि अब जो आपका पेपर है ये चेंज हो कर दिया गया, बहुत सारी चीज़ें कट कर दी गई हैं। तो वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने दोस्तों के साथ जो भी क्लास 10th में है। तो चलिए शुरू करते हैं, ध्यान से वीडियो को देखना। इसमें से जितने भी क्वेश्चन हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इसको जो आप लोग हल कर लेते हैं तो यहाँ पर हिंदी में आपके बहुत ही अच्छे मार्क आएंगे। कम से कम इसमें से देखिए 99% क्वेश्चन पूछे ही पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना तभी समझ में आएगा, A to Z सारी चीज़ें बताऊंगा। इसमें लिखा मॉडल प्रश्न पत्र और सत्र कितना है, 2023-24 है, कक्षा 10 है, विषय हिंदी है, खंड आ है। खंड आ में यहाँ पर उसके बाद में निर्देश हैं, ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। 70 नंबर का पूर्णांक होगा, ध्यानपूर्वक वीडियो को देखना तभी समझ में आएगा। इसमें लिखा प्रश्न पत्र दो खंड में विभाजित होगा, खंड आ होगा, खंड बा होगा। प्रश्न पत्र के खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे, जिनके आपको सही विकल्प चयन करके आपको OMR शीट में काले अथवा नीले बॉल पॉइंट पेन का यूज़ करना है। आपको कोई भी जल वाले पेन नहीं यूज़ करना है OMR शीट पर, ये आपको ध्यान रखना। वो OMR शीट हो चाहे कॉपी हो, कहीं पर आपको उत्तर पुस्तिका में या फिर OMR शीट पर कहीं पर भी आपको जेल वाले पेन नहीं यूज़ करना है, केवल आपको डॉट वाले पेन यूज़ करने हैं, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में खंड आ में बहुविकल्पी प्रश्न है, जिसके लिए आपको एक एक नंबर मिलेंगे, 20 20 क्वेश्चन होंगे, ठीक है, और 20 नंबर के पूछे जाएंगे। और ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा है, OMR शीट के उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसमें कांटे नहीं तथा इरेजर या व्हाइटनर का प्रयोग नहीं करना है, क्योंकि जो OMR शीट होती है बार बार नहीं मिलती है। ध्यान रखना अच्छी तरीके से, जो ना मालूम हो उसको पूछ लेना। मैंने इस पर वीडियो ऑलरेडी बना दिया है कि OMR शीट कैसे भरी जाती है और जो बोर्ड एग्जाम में कापी कैसे लिखी जाती है, तो वो वीडियो जरूर ही देख लेना, बहुत ज़्यादा वो वीडियो इंपॉर्टेंट है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, OMR शीट बार बार नहीं मिलती है। अब यहाँ से शुरू होता है, ध्यान से वीडियो को देखना, और 20 में से आपको कितने राइट आंसर मालूम है ये भी कमेंट में जरूर बताना। पहला यहाँ पर बाबू गुलाब राय किस युग के लेखक हैं, भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, शुक्ल युग की, यहाँ पर शुक्लांतर युग। तो देखिए जो बाबू गुलाब राय हैं ये शुक्ल युग के लेखक हैं, राइट आंसर यहाँ पर शिवाला हो जाएगा। और देखिए इसमें देखिए जो OMR शीट मिलेगी इन चारों ऑप्शन में से एक का ही गोला करना है, ये मैंने बता दिया एक वीडियो में, वो वीडियो जरूर ही देख लेना। एक का ही गोला करना है, डबल हो जाएगा तो OMR शीट में उस प्रश्न में नंबर नहीं मिलेंगे, ये ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है, क्या है, चिंतामणि किसकी किस विधा की रचना है, निबंध है कि कविता है कि नाटक है कि कहानी है। तो देखिए चिंतामणि है ये निबंध है, और किसकी है, ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की निबंध है, ये भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यह एक निबंध है। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, क्या है, गबन किसकी रचना है, मुंशी प्रेमचंद की, जयशंकर प्रसाद निराला की, हरिकृष्ण प्रेमी। तो ये देखिए जो गबन है ये किसकी रचना है, ये मुंशी प्रेमचंद की, राइट आंसर ए वाला हो जाएगा। चाहे गबन हो, चाहे सेवा सदन हो, ये सभी क्या है, या फिर गोदान हो, ये सभी प्रेमचंद के उपन्यास हैं, ध्यान रखना। गबन, गोदान और यहाँ पर सेवा सदन, ये तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उपन्यास, हर साल इसमें से एक पूछा ही पूछा जाता है, सेवा सदन, गबन और यहाँ पर गोदान, ये तीनों उपन्यास मुंशी प्रेमचंद के हैं, ध्यान रखना है। अगला है शुक्ल युग की समयावधि कितनी है, 1936 से 1943 की, 1919 से 1938 की, 1918 तक की, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो शुक्ल युग की समय सीमा है कितनी, 1919 से 1938 ईस्वी तक, ध्यान रखना है। शुक्ल युग या छायावादी युग बात एक ही नाम से जाना जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना। उसके बाद में अगला है नीड का निर्माण फिर किस विधा की रचना है, जीवनी है कि आत्मकथा की, साक्षात्कार, भेंटवार्ता की, रेखाचित्र। तो देखिए ये जो नीड का निर्माण है फिर किस विधा की रचना है, तो ये आपका आत्मकथा, ये भी आपको ध्यान रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, प्रिय प्रवास किस युग की रचना है, जो प्रिय प्रवास है ये किस युग की, द्विवेदी युग, भारतीय युग, प्रगतवादी की, यहाँ पर छायावादी। तो जो प्रिय प्रवास है ये यहाँ पर द्विवेदी युग की रचना है, और ध्यान रखना ये किसकी है, तो अयोध्या सिंह उपाध्याय का महाकाव्य, क्या है, महाकाव्य, ये भी आपको ध्यान रखना है, या एक महाकाव्य ध्यान रखना, अयोध्या सिंह उपाध्याय का प्रिय प्रवास, साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी, ये सभी महाकाव्य, श्री रामचरितमानस, ये सभी महाकाव्य, ये आपको ध्यान रखना है, और ये अलग अलग कवि के हैं, ये भी आपको ध्यान रखना है, द्विवेदी युग की ये रचना है। अगला है मधुशाला किसकी रचना है,
रामधारी सिंह दिनकर की, हरिऔध की यहाँ पर, की हरिवंश राय बच्चन की, सुमित्रा नंदन पंत। तो देखिए जो हरिवंश राय बच्चन के बेटे का नाम क्या है, तो यहाँ पर ये जो कौन बनेगा करोड़पति के वो हैं, उन्हीं के ये क्या है, उन्हीं के पिताजी की ये रचना है, हरिवंश राय बच्चन की, जो अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन के पिता का नाम क्या था, हरिवंश राय बच्चन, उन्हीं की ये मधुशाला रचना है, ठीक है, हरिवंश राय बच्चन की, ये आपको ध्यान रखना है। अगला है भारत भारती किसकी रचना है, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सियाराम शरण की मैथिली शरण गुप्त की, यहाँ पर जयशंकर प्रसाद की, महादेवी वर्मा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त की रचना है, ये भी आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछी पूछी जाती है। अगला है, अभी और सारी चीज़ें बताऊंगा तो वीडियो को पूरा देखना और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि मैं आप लोगों को हर एक वीडियो हर एक सब्जेक्ट के क्लास 10th के बता रहा हूँ। अगला है आधुनिक काल कब से कब तक है, तो देखिए सिंपल सा है, आधुनिक काल मतलब होता है जब से शुरू हुआ और अभी तक चला आ रहा, तो अब तक इसमें लिखा है 1843 से और अब तक, तो राइट आंसर ए वाला ही हो जाएगा। अगला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, मतिराम किस युग के कवि हैं, आधुनिक काल की, आदिकाल की, भक्तकाल की, रीतकाल, देखिए जो मतिराम है ये रीतकाल के कवि हैं, ध्यान रखना डी वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहारी भूषण, मतिराम ये सभी रीतकाल के कवि हैं, आदिकाल के जैसे सारंगधर, उसके बाद में हमीर रासो, उसके बाद में जैसे चंदबरदाई, पृथ्वीराज रासो, उसी प्रकार से आधुनिक काल के जैसे भारतेंदु हरिश्चंद्र और यहाँ पर प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, माधवी वर्मा, ये सभी आधुनिक काल के कवि हैं, और भक्त काल के जैसे सूरदास, तुलसीदास और यहाँ पर रसकांड, ये सभी भक्त काल के कवि हैं। बस सिंपल से ये सारी चीज़ें आपको तैयार करना है, ये इस प्रकार से ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, और आपके जो रस, छंद, अलंकार ये सभी क्या हैं, ये सभी बहुविकल्पी क्वेश्चन में पूछे जाएंगे। तो इसमें पहला यहाँ पर हास रस का स्थायी भाव क्या है, तो हास रस का स्थायी भाव हास होता है, जिसमें हंसी प्रकट हो उसी को हम हास रस बोलते हैं, और करुण रस का स्थायी भाव क्या है, दो ही रस पूछे जाएंगे, हास रस और करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव शोक होता है, ये आपको ध्यान रखना है, जिसमें शोक प्रकट हो, जैसे जहाँ पर विभा अनुभाव तथा संचारी भाव के संयोग से पूर्णता को प्राप्त है, शोक नामक स्थायी भाव से करुण रस उत्पन्न होता है, जैसे हा वृद्धा के अतुल धन, हा वृद्धता के सारे, हा प्राणों के परम्परी, हा एक मेरे दुलारे, इसमें क्या है, इसमें करुण रस है, ये आपको ध्यान रखना है। उसके बाद में अलंकार में उपमा रूपक उत्प्रेक्षा तीन अलंकार पूछे जाएंगे, इसमें पहला है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, सोहत ओढ़े पीत पट श्याम सलोने गात और मनो नीलमन शैल पर आतप पर्यो प्रभात, इसमें से कौन सा अलंकार है, तो देखिए ये उत्प्रेक्षा अलंकार है, जिसमें आपको वाचक शब्द मिल जाए, मन मानो, जनुजानो या जनो मनो या मानो, ये कोई भी वाचक शब्द जो इनमें मिल जाए तो समझ जाना कि वहाँ पर क्या होगा, उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, और जिसमें सा सी से होगा वहाँ पर उपमा अलंकार होगा, और जहाँ पर उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो, जैसे चरण कमल बंधो हर रही, वहाँ पर रूपक अलंकार होगा, तो ये ध्यान रखना, बहुत सिंपल से मैंने सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं, तो आप लोग वीडियो देख लेना। बाकी अगला है रोला सोरठा, दो ही छंद पूछे जाएंगे, रोला छंद के कुल कितने चरण होते हैं, तो ये चार चरण होते हैं, ध्यान रखना है, और जो सोरठा छंद होता है ये भी बहुत सिंपल सा होता है, सोरठा होता है ये दोहे का उल्टा होता है, बस सिंपल सा है। उसके बाद में यहाँ पर उपसर्ग पूछा जाएगा कि आकर्षण शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, उपसर्ग का मतलब होता है किसी शब्द के पहले जोड़ना, तो आ जो है, आ ये क्या है, उपसर्ग है, आ है जो क्या है, यह एक उपसर्ग है, आ कौन से ऑप्शन में, डी वाले में, राइट आंसर डी वाला हो जाएगा। प्रत्यय का मतलब होता है किसी शब्द के आखिरी में जुड़ना, जैसे कोई शब्द है लंबाई है, क्या है, लंबाई कोई शब्द है जो आखिरी में आई होगा, आई होगा, तो ये क्या होगा, यही क्या होगा, हमारा उपसर्ग होगा, प्रत्यय होगा, सॉरी, उपसर्ग होता है किसी शब्द के पहले जोड़ना, प्रत्यय होता है किसी शब्द के आखिरी में जोड़ना, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है, देखिए ये कुछ इसमें नए शब्द ऐड कर दिए गए हैं, रचना है, रचना के आधार पर वाक्य कितने कितने भेद होते हैं, तो दो होते हैं कि पाँच की छः की तीन, तो देखिए वाक्य के आधार पर यहाँ पर तीन भेद होते हैं, मैं आप लोगों को एक वीडियो जल्दी प्रोवाइड करूँगा, इसमें देखिए रचना बताऊँगा और सारी चीज़ें, एक जो समास ऐड कर दिया गया है, बहुव्रीहि समास ऐड कर दिया गया, और सारी चीज़ें, सर्वनाम, वाक्य प्रयोग, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी गई हैं बहुविकल्पी क्वेश्चन में, ये भी आपको ध्यान रखना, बाकी पत्र लेखन भी ऐड कर दिया गया है, तो इससे अलग से एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगा। तो इसमें देखिए रचना के आधार पर तीन होते हैं, और कौन कौन से होते हैं, तो देखिए इसमें सरल और संयुक्त मिश्र, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य, ये तीन ही इसके भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, तीन वाक्य होते हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद में अगला है पीताम्बर में कौन सा समास है, तो ये बहुव्रीहि समास होगा, और जिसमें पीला है अंबर, अर्थात यहाँ पर
किसका तो पीला है अंबर मतलब या पीले हैं वस्त्र अर्थात किसके, भगवान श्री कृष्ण के। तो राइट आंसर बहुव्रीहि समास हो जाएगा। द्वंद्व समास में और का लोप होता है जिसमें माता पिता ऐसे लिखा जाता है, बीच में योजक चिन्ह लगा हो, समझ जाना वहाँ पर योजक चिन्ह लगा हो, जिसको माइनस भी बोल सकते हैं, लगा हो वहाँ पर द्वंद्व समास होता है जिसमें संख्यावाचक हो, जैसे चौराहा हो गया, सप्तऋषि हो गया, नवरत्न हो गया, वहाँ पर द्विगु समास होता है। ये भी आपको ध्यान रखना, मैंने सारी चीज़ें पढ़ा दी हैं। बाकी यहाँ पर आंसू का तत्सम रूप कौन सा होगा, तो यहाँ पर अश्रु हो जाएगा, राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, बहुत सिंपल सा है। अगला यहाँ पर कृतवाच्य में किसकी प्रधानता है, तो देखिए ये कर्ता की प्रधानता है, ध्यान रखना, राइट आंसर ए वाला हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर अगला है ताभ्या शब्द में वचन और विभक्ति बताना है, तो ये चतुर्थी विभक्ति और बहुवचन है, इसको पढ़ना पड़ेगा आपको अच्छी तरीके से। अगला है बीसवां, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, निम्नलिखित में से सर्वनाम है। सर्वनाम आपने पढ़ा होगा, प्रोनाउन जिसको कहते हैं, नाउन होता है जैसे किसी पुरुष व्यक्ति की परिभाषा बताता हो या स्थान की, और सर्वनाम जैसे उसकी जो जो नाउन के स्थान पर बताता है, जैसे यहाँ पर ही हो गया, सी हो गया, यू हो गया, ये सभी क्या है, ये सभी प्रोनाउन होते हैं। उसी प्रकार से हिंदी में सर्वनाम जिसको हम कहते हैं, तो ये वह क्या है या वह जो होता है ये सर्वनाम है। और जो मनुष्य होता है, ये मनुष्य क्या है, यह एक यहाँ पर हो जाएगा नाउन बस, जिसको हम संज्ञा बोलेंगे, ठीक है। ये 20 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, इनको तैयार कर लेना, इनमें से कम से कम 15 या 10 क्वेश्चन जरूरी पूछे ही पूछे जाएंगे, 7 सेट होते हैं कम से कम, ये 3-4 सेट में आते ही आते हैं, तो आप लोग इनको जरूरी तैयार कर लेना। अब खंड बा होगा और इसमें बहुविकल्पी क्वेश्चन, सॉरी यहाँ पर वर्णात्मक प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये 50 अंक के होंगे जो आपको कॉपी में लिखना होगा। यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा जाएगा कि निम्नलिखित में से निम्नलिखित गद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, एक ये पूछा जाएगा पैराग्राफ और यहाँ पर एक ये वाला, अथवा करके 2 पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक करना है जो आपको पता हो, और ये पैराग्राफ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि क्या है, या कोई बात नहीं कि एक स्वभाव और एक रुचि के 2 ही लोगों की मित्रता हो सकती, समाज में विभिन्नता देखकर एक दूसरे की ओर आकर्षित होते हैं, तो मित्रता का जिक्र किया है, समझ जाना वहाँ पर मित्रता नामक पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, बहुत सिंपल सा है। 3 क्वेश्चन होते हैं, इन्हीं के आंसर देना होता है, गद्यांश का संदर्भ लिखना होता है, मैंने बता दिया। रेखांकित अंश की व्याख्या कैसे की जाती है, मैंने इस पर ऑलरेडी वीडियो बना दिया है। बाकी 1 प्रश्न होता है, इसी में पढ़ करके आपको आंसर देना होता है, ठीक है। अथवा करके 2 पूछे जाते हैं जो आपको मालूम है, इन दोनों में से आपको एक करना है। ये हे भगवान तब के लिए या विपद के लिए, आयोजन परम पिता की इच्छा के विरुद्ध इतना साथ, पिताजी क्या भीख ना मिलेगी, तो ये ममता नाम को पाठ से लिया गया है, इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं, बहुत सिंपल सा है। इसमें भी संदर्भ लिखना, रेखांकित अंश की व्याख्या करना, 1 प्रश्न होगा उसी को हल करना होगा। बाकी अब दूसरा प्रश्न होगा और ये भी 6 नंबर का पूछा जाएगा, इसमें क्या है, दिए गए पद्यांश पर आधारित 3 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें क्या है, चरण कमल बंधव हराई जाकी कृपा पंगिल लंदे, अंधे को सब कुछ दर्शाई, भैरव सुने गुमपुर बोले, रंग चले सरछत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणा में बार बार बंधवती पाई। तो जिसमें सूरदास का जिक्र किया गया है, और समझ जाना कि पद नामक पाठ से लिया गया है, शीर्षक से लिया गया है, उसके कवि कौन है, सूरदास जी हैं। इसमें कन्हैया का जिक्र किया गया होगा, तो समझ जाना वहाँ पर पद नामक शीर्षक होगा। इसमें भी संदर्भ लिखना होगा, मैंने बता दिया। रेखांकित अंश की व्याख्या करना होगा, जो ये 2 लाइन खींची हुई है इन्हीं की केवल व्याख्या करना, 2 ही लाइन की, बाकी आपको पूरे पैराग्राफ की व्याख्या नहीं करना है। बाकी इसमें बताना है कि कौन सा अलंकार होगा, बहुत सिंपल सा है। उसी प्रकार से अथवा करके एक ये पूछा जाता है, जो भी आपको मालूम है, तो सुनि सुंदर बयन सुधारस साने सयानी, जानकी जानी भली तिरछे कर नयन तिन्हें, समझाए कछ मुस्काए चली, और तुलसी ते ही अवसर सोई रावय अवलोकी लोचन लह अली, अनुराग तड़ाग बहु उदय, यहाँ पर विगस मनु मंजुल कंज कली। तो इसमें क्या है, इसमें तुलसी का जिक्र किया गया, तो ये तुलसीदास इसके कवि हैं, और ये किस पाठ से लिया गया है, तो धनुषभंग था, वनपद पर था, तो ये धनुषभंग नामक पाठ से लिया गया है, शीर्षक से लिया गया, बहुत सिंपल सा है। इसमें भी आपको ऐसा करना होगा, बाकी इसमें बता रहा है कि अनुराग तड़ाग और मनु मंजुल कंज कली में कौन सा अलंकार है, तो अनुप्रास होगा, क्योंकि ये बार बार आवृत्त हुई है, बहुत सिंपल सा है। उसके बाद में 3रा प्रश्न पूछा जाएगा, इस यहाँ पर दिए गए संस्कृत गद्यांश में से किसी एक का संदर्भ हिंदी में अनुवाद करना है, संदर्भ सहित। इसमें देखिए कवि या लेखक का नाम नहीं लिखना होता, इसमें केवल संदर्भ लिखना होता है। संदर्भ लिखने के लिए केवल आपको पाठ का नाम मालूम होना चाहिए, बस समझ जाओगे कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है, मैंने इस पर वीडियो बना दिया है। तो देखिए इसमें एसाम नगरी भारतीय संस्कृत संस्कृतम भाषायाश्च केंद्रम
स्थलम अस्ति इत एव संस्कृत वांग पश्चिम संस्कृतेश्च आलोका सर्वत्र प्रस्तुता। यहाँ पर मुगल युवराजा दारा सिको यहाँ पर अत्रा अगत्य भारतीय दर्शने शास्त्राणाम अध्ययनम अकरोत्। उसके बाद में सतेषां ज्ञानेन वा प्रभाविता अभवत यत तेन उपनिषदाम अनुवादा पारसी भाषायाम। तो ये किस पाठ से लिया गया, बहुत ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है, हर साल ये आता ही आता है आपके बोर्ड एग्जाम में। देखिए आपके जो सेट 7 होते हैं, कम से कम ये 5 सेट में हर साल पूछा ही पूछा जाता है, तो इसको जरूर ही तैयार कर लेना। ये वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, वाराणसी नामक पाठ से लिया गया है, ध्यान रखना, इसको तैयार कर लेना। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है। बाकी अथवा करके 2 पूछे जाते हैं, इन दोनों में से एक करना है। मानव जीवन संस्करणम संस्कृति अस्माकं पूर्वजा मानव जीवन संस्कृतम महंतम प्रयत्नम अकुर्वन। तो ये हमारी भारतीय संस्कृति नामक पाठ से लिया गया है, संस्कृत खंड से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 4था पूछा जाएगा, ये पद्यांश पर आधारित होगा, इसमें भी संदर्भ लिखना होगा और हिंदी में अनुवाद करना होगा। 2 यहाँ पर पूछे जाएंगे, इनमें से आपको एक ही करना है और कम से कम आपको 5 श्लोक तैयार कर लेना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप लोग जरूर ही तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है। इतना समझ में आ गया, ये देखिए आपको दोनों में से एक ही करना है, संदर्भ लिखना है, और ये दोनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको 5 कम से कम श्लोक भी आपको तैयार कर लेना है। उसके बाद में इसमें पूछा जाएगा क्या, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का आपको उत्तर देना है। ये अपने अपने जिले वाइज खंड काव्य होते हैं, जो आपके ज़िले में खंड काव्य हो वही आपको तैयार करना है, अदर और कोई नहीं तैयार करना। मैंने इस पर सभी पर वीडियो बना दिए हैं। तो जैसे देखिए हमारे ज़िले में यहाँ पर जय सुभाष खंड काव्य, जैसे मैं हरदोई से हूँ तो यहाँ पर ये जय सुभाष खंड काव्य से लिया गया है, हमारे ज़िले में पूछा जाता है, ऐसे आपके ज़िले में कौन सा है कमेंट में ज़रूर बताना, और उसको भी आपको तैयार भी कर लेना है। 3 नंबर ये फ्री के होते हैं, एक ही आपको करना है इन सभी में से, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख एक रचना का उल्लेख कीजिए। 3 यहाँ पर होंगे लेखक के जीवन परिचय, इन तीनों में से आपको एक का ही करना है, और ये 5 नंबर का पूछा जाता है। भाई साहब मैंने सभी पर वीडियो बना दिए हैं, चाहे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो, जयशंकर प्रसाद हो, या फिर आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तीनों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, तैयार कर लेना। मैंने इस पर वीडियो बना दिया है, वो वीडियो जरूर ही देख लेना चैनल पर विजिट करके। उसके बाद में यहाँ पर दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय तथा उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए, इसमें भी 5 नंबर का पूछा जाएगा। एक कहावत कही गई, तुलसी सूर बिहारी जिनसे बोर्ड परीक्षा हारी। तो 3 जीवन परिचय जरूर ही तैयार कर लेना कवियों में, तुलसीदास जी का, सूरदास का और बिहारी लाल, इन तीनों में से 101% पूछा ही पूछा जाता है हर साल, तो इन तीनों में से एक जरूर ही आएगा ही आएगा। तो 3 ही आपको तैयार करना है और 2 इसमें तैयार कर लेना है। जैसे आपने तैयार नहीं किया और तैयार किए हैं तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने जीवन परिचय कितने तैयार कर लिए हैं। उसके बाद में यहाँ पर 7वां पूछा जाएगा कि अपने पाठ्य पुस्तक में से कोई एक कंठस्थ श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया। 2 नंबर का पूछा जाता है, इसलिए मैं आप लोगों को 5 बता रहा हूँ, याद कर लो, उसका अनुवाद भी तैयार कर लो, क्योंकि आपके 5 नंबर वो पक्के हो जाएंगे, 2 नंबर ये पक्के हो जाएंगे, 5 या 4 भी तैयार कर सकते हैं। देखिए एक सर्वे भवन्तु वाला, एक यहाँ पर आपदेव दुर्गामी चाक्षरो न च पंडिता अमकाश प्रोक्ता चायोजना स पंडिता, या फिर एक दूसरा है वहाँ पर मरणम मंगलम यत्र विभूति च विभूषणम कौपिनम यत्र कौशम साकाशी केन मियते, उस पर भी आप लोग तैयार कर सकते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी देखिए अब निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, ये पहले 4 नंबर के पूछे जाते अब थे, अब 2 ही क्वेश्चन करने हैं, लेकिन ये एक एक नंबर के पूछे जाएंगे। क्या है, पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संस्कृति मूलम किमस्ति। तो भारतीय संस्कृति सदा गतिशीली, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर आप लोग देख लेना कौन सा होगा। उसके बाद में पुरुराजा का आसीत, फिर चंद्रशेखरा का आसीत, तो चंद्रशेखरा यहाँ पर देशभक्ता चा आसीत, और वीरा किन पूजते, तो वीरा वीरेन पूजते, 2 ही करने हैं। उसके बाद में यहाँ पर 9वां क्वेश्चन पूछा जाएगा और निबंध ये अब 7 नंबर का पूछा जाएगा। पहले ये कितने नंबर का पूछा जाता था, 9 नंबर का, अब इसमें पत्र लेखन भी ऐड कर दिया गया है। मैंने इस पर भी वीडियो बना दिया, पर्यावरण प्रदूषण पर, आतंकवाद पर मैंने बना दिया, उसके बाद में जनसंख्या वृद्धि पर भी मैंने बता दिया है, तो आप लोग वो भी देख लेना वीडियो, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है, सभी पर तैयार कर लेना, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद में यहाँ पर देखिए आखिरी में पूछा जाता है कि अपनी विशेष रुचियों का उल्लेख करते हुए अपने मित्र पर एक पत्र लिखे, या फिर एक यहाँ पर उत्तर मध्य रेलवे के शिकायती पत्र लिखे जो टिकट निरीक्षक द्वारा किए गए अभद्र व्यवहार का उल्लेख हो।
चार नंबर का ये पूछा जाएगा, इन दोनों में से एक का ही पत्र लिखना है। ये ऐड कर दिया गया, न्यू है ये, पहले ये था नहीं ये, लेकिन अब ऐड कर दिया गया है। तो आप लोग कमेंट करना तो मैं आप लोगों को जल्द ही एक वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसी प्रकार से इसी पैटर्न पर ऐसा ही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन पेपर। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, बाकी चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, सभी को तैयार ज़रूर कर लेना।